नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी करवाई गई है। बता दें कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन करवाया गया है, जिसके बाद बीजेपी पर जमकर हमलावर नजर आए विपक्ष के लोग। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार यशवंत सिन्हा को कोई नहीं हरा सकता। बात अगर हम करें तो देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तमाम तैयारियां करवाई गई है। लेकिन इस सबके बीच दिल्ली की वो तस्वीरें सामने आई है, जहां पर खुलकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में जीत के दावे भी ठोक रहे हैं। क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का, और इस नामांकन की प्रक्रिया के तुरंत बाद क्या कुछ तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आई है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस एट 4 o'clock। सो ही विल स्पीक टू ऑल ऑफ यू एट देयर। सो हियर द सपोर्टिंग पार्टीज विल टॉक टू यू। वेल, ऑल ऑपोजिशन पार्टीज आर यूनाइटेडली सपोर्टिंग यशवंत सिन्हा जी। ऑफ कोर्स वी आर सपोर्टिंग द इंडिविजुअल, बट द रियल फाइट इज बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। One ideology of RSS, anger, hatred, and the other of compassion of all the opposition parties which are standing together. ये विचारधारा की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा जी के साथ सारा का सारा opposition है। दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा और देश की भावना। धन्यवाद। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हमारी बहुत आदर, लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कंटेस्ट नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल कंटेस्ट। तो आज इसको ध्यान में रखते हुए हम सब विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हुए हैं इस संविधान की रक्षा के लिए। इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ए पर्सन हु वुड बी एबल एंड केपेबल टू डू सो। सो दैट इज द रीजन for the united support of the opposition for the candidature of Mr. Yashwant Sinha.